अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूं वो मैं जेरेमी बेंथम के हवाले से बनाने जा रही हूं, ठीक है। वन बाय वन मैंने हर राइटर्स मुफक्किरीन के बारे में आपको बता रही थी, पॉलिटिकल थॉट्स के हवाले से ये है वीडियो है जेरेमी बेंथम है। इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन अपने नोट्स में लिखा हुआ उसके लिहाज से मैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ठीक है। जेरेमी बेंथम थोड़ा सा मैं इसको कर लेते हैं। जेरेमी बेंथम 1748 में लंदन में पैदा हुआ। उसके वालिद एक मशहूर वकील थे। उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पर्स्टिली के मजमून हुकूमत पर मकाला के मुताले से इसको ये अंदाज़ा हुआ कि रियासत का हकीकी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। उसको यकीन हो गया कि बरतानवी कानून महज मनगढ़ंत किस्सों और इबहाम का मजमुआ है। इबहाम का मतलब होता है जो हमारे ख्याल होते हैं जो सच्चाई से मबने नहीं होते, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में इंग्लिस्तान की हुकूमत और कवानीन बदलने पर जोर दिया, ये इसकी बुक का नाम है। इखलाकियात और कानून साजी के असूल में नज़रिया अफादियत पेश करके मशहूर व मारूफ हो गया, ये इसका नज़रिया अफादियत है। मुतद मुल्कों में ममालिक में अपने आइन मुरतब करने के लिए इसको दावत दी गई। पुर्तगाल की हुकूमत ने अपने मुल्क का आइन का मसवदा तैयार करने के लिए उसे अपने हाँ बुलाया था। सियासी और कानूनी फलसफे की लाजवाब खिदमत करने के बाद 1832 में बेंथम का इंतकाल हो गया, ठीक है। इसकी मशहूर किताबों के नाम है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट है, इखलाकियात और कानून साजी के असूल है, रिसाला इसने लिखा था, वेस्ट मिनिस्टर्स यो, ठीक है। ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, ये जेरेमी बेंथम का इंट्रोडक्शन है, ये देख लें। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो फिर मैं इनके राइटर्स और इनके जो फिलोसफीज वगैरह इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।